Damn, this car is simply amazing from inside. नो हेट, लेकिन मेरे ऊपर वाले घर को 3 महीने के ऊपर हो गए हैं काम कराते हुए, प्रॉब्ली 4-5 महीने हो गए, लेकिन उसका काम अभी तक ख़त्म नहीं होता। आई अंडरस्टैंड, मैंने भी सेम करा है, लेकिन भाई बहुत टाइम हो गया यार। ये बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अगर आपने कभी घर में काम करा है तो आपको पता है वो जो बंदे बोलते हैं, मान लो कि जनवरी एंडिंग में हो जाएगा सर, वो होते होते अप्रैल लगता ही है। मेरा ये घर का भी सेम हुआ था। व्हाटएवर इट इज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज आवाज में थोड़ी एक्साइटमेंट है और वो इसलिए है कि द टाइम यू विल बी वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मस्त एक लॉन्ग ड्राइव पे एक नई प्यारी ईवी गाड़ी के साथ जा चुका हूँगा, जो भी कुछ ही देर में मेरी बिल्डिंग के नीचे आने वाली है। अभी देखो, यूजुअली मैंने जो भी चाइनीज वेबसाइट से चीज़ें ली है, एक्सेसरी, वो तो चल जाती है लंबा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम का कोई भी भरोसा होता नहीं है कि वो उतना चले तो शाम तक, नहीं तो चांद तक, वैसे कुछ हिसाब है। तो मैंने ये एक पावर अडैप्टर लिया था, तो आजकल सब कुछ USB टाइप सी हो गया, 1, 2, 3, 4 USB टाइप सी है और 2 USB जो नॉर्मल USB होता है वो है, एंड मुझे लगा था 200 वॉट्स, आई डोंट थिंक 200 वॉट्स होगा, लेकिन टोटल मिला के 200 वॉट्स है। देखो, मेरा अभी ड्रोन की बैटरी चार्ज हो रही है और मेरा आईफोन चार्ज हो रहा है, और मैं अपना जो एंड्रॉयड फ़ोन वो भी चार्ज करता हूँ, वन प्लस ओपन, और वो उस पर लिख के आता है फास्ट चार्जिंग, और ये फ़ोन भी काफ़ी फास्ट चार्ज होता है। दैट मीन्स वो टाइप सी पोर्ट जो ऐसा ही नहीं फालतू कर दिया और चार्ज नहीं करता, बट हाँ, यू हैव टू यूज़ अ गुड क्वालिटी केबल। अगर चीप क्वालिटी का केबल यूज़ करो तो नहीं चलेगा। सो आई एम काइंड ऑफ सरप्राइज, गरम काफ़ी होता है, लेकिन फॉर इट्स वेट आई थिंक इट्स डूइंग अ वेरी गुड जॉब। मतलब पूरा US में मैंने यही यूज़ किया है। अभी देखो, इसके लिए कोई डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है, मैं सिर्फ वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये सब लक का खेल होता है। आप लोगों के शायद नहीं चलेगा, मैंने लिया, चल गया। तो गाड़ी निकल गई है और उन्होंने जो फोटो भेजी है गाड़ी की, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी माय फेवरेट कलर। मुझे पता भी नहीं था ये वाली गाड़ी ये कलर में आती है। I'll be very very honest, मैंने बहुत सारे खूबसूरत कलर देखे गाड़ी में, फेवरेट कलर वैसे गाड़ियों में ब्लैक है, बट दिस इज गोइंग टू बी माय न्यू फेवरेट कलर इन अ स्पोर्ट्स कार। Porsche Taycan and this is an electric car. फिर भी अगर आपको नहीं समझे तो यहाँ पर क्लियर कट लिखा है इलेक्ट्रिक, और ये लो, इसे चार्ज भी होता है। मैं अक्सर डिबेट मीम्स देखता रहता हूँ, वीडियोज़ देखता रहता हूँ कि अरे यार, अभी फ्यूचर में स्पोर्ट्स कार में पेट्रोल नहीं जाएगा, या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई जस्ट लव द एड्रेनलिन, आई लव द लुक, एंड दिस राइट हियर इज। और अगर आप मुझे कुछ सालों से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है ना, मुझे बाइक में, ना गाड़ी में, ना किसी में भी मुझे नहीं पसंद। हाँ, लोगों को पसंद है और लोगों के लिए मैंने किया है, कि मुझे पर्सनली नहीं पसंद। अगर आप इस तरह की फ्लैशी गाड़ी चलाओगे तो डू यू रियली नीड अ बम बम। ओके, यहाँ पर मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ, वो का फीलिंग एकदम अलग है, क्योंकि मैंने चलाई है फरारी, लैम्बोर्गिनी चलाई है। कम ऑन यार, इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार, वो भी फुल चार्ज पे, ऑलमोस्ट 350-800 किलोमीटर भी चलती है, और क्या चाहिए लाइफ में। और एक बात याद रखो, अमीर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमीर और फिट होना कमाल की बात है, वरना आप इस तरह की गाड़ी आराम से फिट नहीं हो पाओगे। डैम, डजंट रियली मैटर गाड़ी 5 लाख की है कि 5 करोड़ की है, व्लॉग फ्रेंडली होनी चाहिए मेरे लिए, और मेरा कैमरा परफेक्टली यहाँ पर अच्छे से बैठता है। अभी अगर मेरे पास एक अच्छा सा, अगर मेरी खुद की गाड़ी होती तो मैं यहाँ पर एक स्टिकी लगा देता और ऐसा लगा के वाला शॉट भी लेता। मैं कोई फैंसी गाड़ी में बैठता हूँ तो मैं एक चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में आती है, और मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी देखा है, रिव्यूज़ भी बोलते हैं कि टच स्क्रीन मुझे इतना
पता नहीं, दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, लेकिन आई एम ए फैन ऑफ बटन्स, लेकिन इसमें हैप्टिक टच दिया हुआ है। आईफोन में कैसा, जो ये वाले पुराने आईफोन में हैप्टिक टच होता था, वैसा वाला आपको हैप्टिक टच मिलेगा। एंड दिस राइट हियर इज़ लाइक अ टच पैड, तो आप कुछ भी इसे कंट्रोल कर सकते हो वाइल्ड ड्राइविंग बिकॉज अगर आप टच करोगे तो आपको फील नहीं आता, तो वो फीडबैक के लिए हैप्टिक टच दिया हुआ है, एंड आई लाइक इट। गाड़ी पार्क करके एसी फुल ब्लास्ट करके शाइनेस का वेट कर रहा हूँ। अभी ये अगर पेट्रोल गाड़ी होती आवाज आती शाइनेस आगे। हेलो मिस्टर निखिल, हेलो, इन योर पिंक पोर्शे रेडी हो क्या है? हाउ डू यू लाइक दिस कलर? वाओ इट्स अमेजिंग। ऊपर से एक्चुअली पिंक लग रहा था, बट क्लोजर इट्स लुकिंग सो नाइस, है ना? वाओ, ये रैप कराना चाहिए ऑडी में हम लोग को नेक्स्ट। मुझे लगता है ये जो कलर है ना, ये गाड़ी पे ज्यादा सूट होता है। अपनी ऑडी थोड़ी बड़ी, आई थिंक ये सुपर स्पोर्ट्स कार या स्पोर्ट्स कार है, बेटर लगता है। एंड गेस व्हाट, चाहे जरा बैग दिखा, ये देखो ये बैग और ये कलर काइंड ऑफ मैचिंग ऑन द सेम लाइंस बट नॉट रियली, थोड़ा लाइट है थोड़ा डार्क, लाइक अ वेरी म्यूटेड लाइलैकिश पिंक ब्राउन कुछ ऐसा, उसको बोलते हैं फ्रोजन मेटालिक फ्रोजन बेरी, सूट्स इट, सूट्स इट। एक और चीज नोटिस किया तूने, टच स्क्रीन इधर, हां कितना, इसको टच कर जरा, वाओ, इट्स अ टच स्क्रीन, पूरा यहां से लेके वहां तक द स्क्रीन, वाओ यार। आपको रात में बताऊंगा, अभी दिन में आपको इतना समझेगा नहीं। ये क्या है? इट्स अ मूनरूफ एंड इट्स नॉट अ सनरूफ एंड यू डोंट नीड सनरूफ। और इसका कलर भी चेंज होता है, ढूंढना पड़ेगा कहां से होता है। यार ये कितना, स्टिल लर्निंग, सेक्सी गाड़ी है ना? आई फील लाइक मैं बहुत ऐसे नॉर्मल उठ के आ गई हूं गाड़ी में, बन ये गाड़ी में बैठने के लिए बन के आना पड़ेगा। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल, जाओ जाओ कपड़े बदल के आओ, मेकअप लगा के आओ, फिर इस गाड़ी में बैठ जाओ। मैं और शाइनेस लगभग 2014 में मिले थे, देखते देखते 2024 आ गया, 10 साल हो गए, और एक दिन देखते देखते इस जगह पे ऐसी कोई गाड़ी खड़ी रही, आई मीन हमारी ऐसी है ना? आई यूज 18th बर्थडे गिफ्ट, ए पागल, तब तक तो दो तीन आ जाएगी। 10th बर्थडे गिफ्ट, किसी का गिफ्ट नहीं है, मैं खुद को गिफ्ट करूंगा, उसको पता है ना, सेल्फ लव अबव ऑल। ड्रोन नंबर 1 एंड ड्रोन नंबर 2 फुली चार्ज, मुझे पता नहीं इसका कितना यूज होने वाला है कल, बट देन लेके जाने में क्या प्रॉब्लम है, मौका मिला तो उड़ा देंगे। अगर मुंबई से देख रहे हो तो आपको आज एक गुड न्यूज मिल गई होगी, हमारा ये वाला जो ब्रिज है जिसका नाम अटल सेतु पड़ा है, ये वाला वो आज ऑफिशियली खुल गया है। वैसे तो काफी दिन पहले खुल गया था, सब इन्फ्लुएंसर्स को कवर कर रहे थे, बट आज ऑफिशियली खुल गया है, एंड ये मुंबईकर्स के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। बहुत दुख की बात है, लेकिन एज एक्सपेक्टेड मोटरसाइकिल्स आर नॉट अलाउड, टू व्हीलर्स रिक्शा सब अलाउड नहीं है। 100 रुपये ले लेते लेकिन अलाउड कर लेते, लेकिन मुझे पता है फिर क्या होगा कि सब लोग जाएंगे स्टंट मारने के लिए गोप्रो लगा के और भगाएंगे, रेस करेंगे, एंड देन कोई ना कोई मरेगा और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बट देन स्टिल ये कब तक होता रहेगा, इतने हाई फंडा कैमराज लगे हैं, स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम है, कॉप्स रहते हैं वहाँ पे, तो अगर कोई रेस करता है तो उसको पकड़ो, फाइन मारो, भाई जेल कर दो, लाइसेंस कैंसिल कर दो, लेकिन मोटरसाइकिल अलाउ करो यार। मतलब जिनको मोटरसाइकिल से जाना है, बेसिकली आपने जो मुंबई से नहीं देख रहा है, आपने वीडियोज़ देखे होंगे लोगों के, या लोनावला जाते हुए, पुणे जाते हुए, सो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती थी नवी मुंबई, वो यहाँ से जाने के लिए बहुत ट्रैफिक लगती थी। अभी ये जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड है, उससे बहुत फ़ायदा होगा, स्पेशली बेसिकली ये जो पोर्ट होता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मेरी जब बाइक US गई थी, तो मैंने अपनी बाइक को दिया था यहाँ पे, ठीक है, डॉक में दिया था, लेकिन वो पूरा ट्रक से हो के ऐसे ऐसे जाके इधर आई थी नवाशेवा में। अभी अगर मैं अभी देता, या फिर अभी जब बाइक वापस आएगी, वो ये वाले नए पुल से सीधा फटक से यहाँ पर पहुँच जाएगी, तो ट्रक्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन हम जैसे आम जनता भी इसका लुफ्त जो है वो उठाएगी, लुत्फ उठाएगी। तो मैंने सोचा कि चलो भाई अपनी नीचे पोर्श खड़ी है उसको लेके जाते हैं, लेकिन फिर दिमाग में आया कि शायद कल जहाँ मैं ड्राइव में जा रहा हूँ 99% चांस है कि अपन वही ब्रिज लेंगे। तो आपको अगले वीडियो में अगर मौका मिला तो अगले वीडियो में लेके जाऊँगा, वैसे भी फास्टैग का स्टिकर नहीं लगा हुआ है तो मुझे स्लो डाउन नहीं करना है, अगर लोग लेके जाएंगे ठीक है, वरना आते टाइम मैं खुद ही पे करके वो ब्रिज से जो है आ जाऊँगा। बिशानेसर में ऐसी पवई रंदानी का राउंड लगा रहे थे, नथिंग फैंसी, नो व्लॉग, नथिंग, ऐसी पब्लिक क्या देखती है ना जाने, beautiful looking car, my god, and the color ghum ghum ke, matlab normally badi gaadi choti gaadi, I'm not into cars that much, but this car is very beautiful, hai na, bahut khoobsurat hai, literally jo attention grab karti hai, my god, color, hai na, ye zara photo leta hu acche se, aise to isme bhi achhi aa rahi hai, ab is car ko as always gaadi bahut pasand hai, mujhe lagta tha usko gaadi bilkul pasand nahi hai, but she is turning out to be a car girl, you like it? This is good? Oh, wow. Wow, right? Mm-hmm.